अभी देखिए क्या हमारे कायम है, हमारे पास हमने पंचनामा फॉरेंसिक टीम के साथ किया है और पीएम रिपोर्ट के पश्चात ही ये क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में क्या घटना है। सर कई तरह की बातें आ रही थी जैसे दरवाजा टूटना पीछे से, अफवाह वाली सब बातें हैं और वो पीएम के पश्चात ही पता चलेगा कि क्या है। मैं पांडे लिखा हुआ है ना अभी नहीं लिखा है हाथ में मैं पांडे का से अच्छा पेन से अपना बोलेरो है ना माता जी है। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ कैसे घटना? मेरी बेटी स्कूल से आई बोली बहुत अच्छा हूँ मम्मी पापा को कब ले जा रही है। बेटी मेरे हाथ में पूरा लिखी है मयंक पांडे, इसको छोड़ना मत आता है लिखी है। नहीं लेकिन इसको वो नहीं लिखी है, वो नहीं लिखी। आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि हत्या का मामला है और जो हाथ पे लिखा गया है वो उस लड़की के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि आरोपी के द्वारा उसमें लिखा गया है। इस पर थाना भटगांव में 450 376 302 201 आईपीसी के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय केस किया जा रहा है। तो लड़की और उसके बीच में वाद विवाद हुआ किसी बात को लेकर, उसके बाद उस जो आरोपी ने लड़की के साथ संबंध बनाया और उसके बाद जब उसने बताया कि मैं ये बात अपनी माँ और अपने घर के अन्य लोगों को तथा अन्य जो लोगों को बता दूंगी तो इस पर उसके जो दुपट्टा है उससे उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद उसको थ्रोटलिंग करके उसके उसके बॉडी को पंखे पे लटका दिया था। आरोपी ने ये बताया है क्या कि एक के अलावा और भी कोई उसके साथ और भी है? नहीं, अभी जो पूछताछ हुई है उसमें आरोपी अकेले के द्वारा घटना कारित करना बताया है। देख सकते हैं हमारे सूरजपुर के एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया और कहा गया कि ये मामला काफी संगीन है या कहना कहने के बीच में ये बाबा खान आरोपी के द्वारा लेके जाया जा रहा है हम दिखाएंगे कि किस तरह से गहमा गहमी के बीच में आला अधिकारी चढ़ा दिया जा रहा है। ये गाड़ी को ये देख सकते हैं, गाड़ी को निकालने में कामयाब हुए। ये काफी गहमा गहमी के बीच में आखिर ये क्यों मशक्कत करना पड़ा, हम यहाँ जानेंगे यहाँ आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा उग्र हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जवाब की अपेक्षा क्या करे उग्र क्यों हो रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी क्या मालूम, अभी तो वही देखने के लिए आए आप लोग। कहीं ना कहीं और आपके समर्थन में उनका गुस्सा जायज है, उनका गुस्सा जायज है कहीं ना कहीं। हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जब एक लड़के को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया, हम जब बोल रहे हैं कि दूसरा लड़का भी है तो हमारे पक्ष में कुछ नहीं हो रहा है। हमारा सम्मान हमेशा साथ रहा, वहाँ भी रहा आपके साथ ही नहीं रहा। और दूसरी बात, एक लड़की के रूम में एक लड़का अकेले घुसता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, उसको मारता है, अकेले उसको फांसी में लटका देता है, कौन मान सकता है इस चीज को? कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हो रहा है। और जब हम इस बात को उठा रहे हैं थाने में तो थाने वाले बोलते हैं आप जिसको मारिएगा हम उसका नाम लिख देंगे। क्या क्यों नहीं लिखेंगे हम, अब क्यों बैठे हैं? हम पीड़ित परिवार, हमारी बच्ची मरी है, हमको दुख नहीं है। होता क्या नहीं होता, निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है भैया, हम लोग बहुत दुखी हैं। एक तो हमारी बच्ची मर गई, हमारा थाना भी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, ना अच्छे से पक्ष हमारा लिया जा रहा है और एक को आरोपी बना करके थाने में डाल दिए। कोई हमारे साथ सरासर अन्याय है, ये अच्छी बात नहीं। सब मिल के आवाज उठाइए हम लोगों के लिए, हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ, आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल सब किसी भी की बच्ची के साथ। नहीं नहीं, बच्चे का नहीं, वो इसलिए सब मिल के आवाज उठाइए हमारे लिए।
कि फांसी में जिस तरह से अपने बचाव के लिए फांसी में लटकाया, तो अकेले के बस की बात नहीं है कि फांसी में लटकाएगा कुछ करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सहयोग तो मिला ही। सरकार और प्रशासन उसमें दृढ़ संकल्पित है, उसमें कार्रवाई सबके खिलाफ हुआ है। और भी कोई अगर उसमें बिंदु है, कोई अगर किसी के पास तथ्य है तो बताएंगे, तो उस पर भी आगे। सर, छत्तीसगढ़ में आज बेटी माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सुरक्षा के लिए, और चाहे वो नागरिकों की सुरक्षा हो, चाहे वो बालिकाओं की सुरक्षा हो, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, और जहाँ भी घटना हो रही है तत्काल कार्रवाई हो। उसके दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाया लेकिन कोई नहीं खोला। बाद में पता चला जिसने बलात्कार किया वही आके दरवाजा खोल रहा है। तो आप खुद एक लड़की हैं, तो क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आप सेफ हैं? सेफ कैसे हो सकते हैं जब घर पे ही वो सेफ नहीं थी। तो क्या मांग आप कर रही हैं? मांग ये कि उससे फांसी मिलनी चाहिए, और उसके साथ और भी लोग हैं जिसका नाम सामने नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों पुलिस उसके उन लोग के नाम को छुपा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका नाम भी सामने आए और सारे लोगों को फांसी हो। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे भी आक्रोशित हैं कि जहां आज इनको पढ़ाई करना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए, तो उस समय ये रोड में बैठे हैं, क्योंकि इनको यह चीज पता है कि आज हम खुद सुरक्षित नहीं है। इस छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में हर जगह इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी नेता या मंत्रियों का अगर एक जन्मदिन हो तो एक ट्वीट करते हैं तुरंत और गुलदस्ता देने तुरंत पहुंचते हैं, लेकिन आज इस बिटिया का घटना लगभग 5 से 7 दिन बीत चुके हैं और अब तक एक उनके तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है और कोई बयान उनके तरफ से नहीं दिया गया है। तो क्या कांग्रेस की सरकार में हमारा छत्तीसगढ़ सेफ है? ये तो आप खुद समझ सकते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या ये समझ नहीं आता कि किसी का भी बलात्कार होगा तो उन्हें सिर्फ 7 साल की सजा दे करके छोड़ देना ये कम है? हम चाहते हैं कि जो भी बलात्कार करे उन्हें फांसी मिले। और चूंकि इम्प्रेसी तो घर में थी, लोग कहते हैं ना कि बाहर लड़की घूम रही थी, छोटे कपड़े पहनती है, तो हो क्या होगा उनके साथ गलत, उनकी ही गलती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इम्प्रेसी तो भाई घर में थी, तो घर घुस के उनके साथ बलात्कार हुआ है, फिर बलात्कार करने के बाद उन्हें फांसी में लटका दिया गया है और दिखाया गया कि ये तो भाई सुसाइड अटेम्प्ट की है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर जब कानून नहीं कर पा रही है, उन्हें फांसी नहीं दे पा रही है, तो फिर वो ऑडियंस को दे दे, हम उनको यहीं पर ही सजा देंगे। हम चाहते हैं कि वो जिंदा ना रहे। बाबा खान और बाबा के साथ जितने भी साथियां हैं, सुनने में आ रहा है कि यहाँ के भटगांव पुलिस वाले उनको शायद ये बाबा खान बताया था कि मेरे साथ शायद 2 या 3 लोग और हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि पुलिस वाले लोग शायद बता नहीं रहे हैं। तो फिर अच्छे से कार्यवाही की जाए और जितने भी लोग हैं उनको फांसी दे, और अगर फांसी नहीं मिलती है तो फिर उसको यहाँ पर लटका ही दे, और जितना मर्जी उसको जो भी चाहे मारे पीटे जिंदा जला दे। जब बात आती है कि वोटिंग्स की पॉलिटिकल्स की, तो सारे लोग ऐसे आ जाते हैं सामने से कि हमको वोट दीजिएगा, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे सुनेंगे। तो फिर वही है, अगर जब वोट का टाइम आएगा तो सारे लोग आएंगे, भाई मैं तो पहले किया था भाई, फिर वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अभी कहाँ का एक तो बीजेपी के दिख नहीं रहा, ना ही एक तो कांग्रेस के दिख रहा। तो चाहती हूँ कि आए उन लोग, अपना थोड़ा सा फेस दिखाए और बोले भाई, पूछे हम लोग से हम लोग की प्रॉब्लम्स क्या है, न्याय हम लोग को मिलना चाहिए। कुछ बड़े खुलासे जल्द हम करेंगे इस मामले को लेकर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।